बीजेपी की एक बड़ी बैठक होनी है। दरअसल 8 राज्यों की कोर कमेटी की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों पर मंथन किया जाएगा, एमपी में टिकट वितरण को लेकर भी मंथन होगा। आपको बताते चलें कि इस बैठक में जहां अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष मौजूद रहेंगे, वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और हितानंद शर्मा भी यहां मौजूद रहेंगे। सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी इसमें शामिल होंगे। तो अमित शाह ने हाल ही में एमपी का दौरा भी किया था, उसके बाद ये बैठक और भी ज्यादा खास मानी जा रही है, क्योंकि पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर जो भी चर्चा हुई है उसको इस बैठक में जरूर शेयर किया जाएगा, और साथ ही आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों पर भी चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी की आज रायपुर में बड़ी बैठक होने जा रही है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और पवन साय इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन भी बैठक में मौजूद रहेंगे और इस बैठक में लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी। ये बैठक उषाभाऊ ठाकरे परिसर में होगी। मार्च के पहले हफ्ते में बीजेपी लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है, और इसीलिए कहा जा रहा है लगातार बैठकों का सिलसिला हर राज्य में आप देखेंगे, मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी। और रायपुर में एक बार फिर एक बेजुबान की हत्या कर दी गई। दरअसल शराबी ने एक डॉगी के सिर पर पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी। शराबी का नाम तुकाराम उर्फ छोटू।